तो गाइस आज हम करने थे इसमें रेड लाइट फिट, वो भी काफ़ी शेड अच्छी लगती है R15 V4 में। मैं आपको दिखा देता हूँ किस जगह पर लगेगी। ये आपने देख रहा ये स्पेस, यहाँ से इसकी शाइनिंग आने वाली इतनी खतरनाक आने वाली, आप भी क्या सोचोगे। चलो इसको कोई बात नहीं, इसको फिट करते हैं, हम आगे देखते हैं कैसे फिट होगी। ओके, सबसे पहले आपने इसकी सीट खोल लेनी है, ठीक है, ये यहाँ से, फिर इसके लोग हम इससे ही खोल लेंगे, ठीक है, एक, ये दो, ठीक है, ये दो, ये कवर इसका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, इसका कवर, ये इसके दोनों लोग यहाँ रहने लेता हूँ, ठीक है, इसके 5 नंबर के एलईडी बोल्ट ओपन कर लेता हूँ, दोनों ओपन हो गया। अब इसकी सीट ओपन कर लेनी है, ठीक है, नंबर एलपी का बोल्ट ये ओपन करना है, 8 नंबर का ये है, ठीक है, एक पेचकस वाला ये है और एक 4 नंबर का ये है। ये चार ओपन करने के बाद इसका हमने कवर ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन कर लेना है, ये 8 नंबर का ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसका टैंक का कवर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, अपने ध्यान से, ठीक है, ये यहाँ से फोर्स किया और यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए इसका कवर, ये यहाँ पे स्क्रू होता है एक अंदर, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, 4 हमने बाहर के ओपन किए, ये ओपन करना है, ठीक है, उस साइड का भी सेम ऐसे ही ओपन होता है, ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसका कवर निकाल लेते हैं, ठीक है, कवर नहीं निकालना हमने, सिर्फ इसको ऐसे देख लेते हैं कि स्पेस कहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है, रोशनी कहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है, उस हिसाब से हमने इसको रखना है और इसको बाहर कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना हमने। यहाँ पर हमने लाइट फिट करनी है इस जगह पर, ठीक है, लाइट ले ली है, ठीक है, ये लाइट है, यहाँ से वायर कट करके यहाँ पे मैंने प्लस किया है, ठीक है, इसमें वायर प्लस किया और आपको इसमें प्लस माइनस होएगा दिख रहा, ठीक है, रेड वाली प्लस है तो पूरी वाइट है वो माइनस है, ठीक है, पर मैंने आगे यहाँ पे जो रेड है, रेड और वाइट मतलब ये प्लस है, ठीक है, ये वाली वाइट वाली तार हमारी प्लस है और ये ब्लैक वाली माइनस है, ठीक है। अब मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ कैसे लगेगी, ठीक है, सबसे पहले इसको टंकी के नीचे से निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ना स्पेस होती है इसके अंदर, ठीक है, आप ना यहाँ पे ऐसे डाल के, आप यहाँ से ऐसे डाल के उस साइड से निकाल लोगे, ठीक है, ये आ गई उस साइड से बाहर, ठीक है, ये इस साइड से ऐसे बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये ना इस जगह पे फिट होएगी, ठीक है, इस जगह पे फिट होएगी, इसकी शेड बाहर आएगी फिर, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल टेप होएगी, आपने इसकी निकाल के इसको यहीं पर लगा देना है, ठीक है, इस साइड भी आपने ऐसे करना है, ठीक है, उसके बाद ये दो वायर है इसको आगे फिट कर देनी है हमने, ठीक है, स्विच में। मैं आपको इसका समझा देता हूँ, मैंने बताया था ना दो वायर है, एक ब्लैक और एक वाइट, वाइट वाली प्लस है लाइट की और ये ब्लैक वाली माइनस है, ठीक है, माइनस हमने अर्थ दी और ये तार है यहाँ पे स्विच की, ठीक है, प्लस की, इसको ऑन किया, ठीक है, और शायद नीचे भी हमारी लाइट है फेयरिंग में। अगर आपको फेयरिंग की वीडियो चाहिए कि हमने इसमें लाइट कैसे फिट की है तो मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना वहाँ पर, ठीक है, और ऊपर भी आप चेक करो कैसी शाइनिंग है, ठीक है, ये दो ऐसे फिट होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी पूरी फिटिंग की वीडियो चाहिए कि कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लें, ठीक है, आप फेयरिंग की भी देख लें वीडियो, ठीक है, फेयरिंग में मैंने कैसे लाइट फिट की है और यहाँ पर कैसे फिट हुई है वो आपने देख लिया है, पर आपको इसकी फिटिंग की वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब इसको फिट कर लेते हैं, फिर इसकी लुकिंग देखते हैं कैसी आती है, ठीक है, टैंक कवर इसका फिट कर लेते हैं। मैंने बताया था ये सिंपल ही है, ठीक है, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ इसको क्लोज करना है बिल्कुल अपने पास में, ऐसे ये लॉक लग जाएगा, ठीक है, ऐसे लॉक लगेंगे उस साइड का भी, इस साइड का, मैंने आपको उस साइड से खोलने का बताया था ना, जैसे इस साइड का ओपन होएगा वैसे ही उस साइड का ओपन होएगा, ठीक है, मैं एक साइड की आपको फिटिंग दिखा देता हूँ, सेम उस साइड की वैसी होएगी, ठीक है। 4 नंबर एल का एक बोल्ट ये है, 8 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये है, एक पेचकस का ये है और एक बाहर टापा ऐसे लगा देंगे, ठीक है, एक यहाँ पे होता है लोग इसको ऐसे बंद करके बाहर एक इसको कर देंगे, अपना फिट हो जाएगा, उसके बाद सीट फिट करनी है, ठीक है, लगा लेने, ठीक है,
ये ऐसे रख के सिर्फ ऐसे ही, ठीक है। अब इसके दो बोल्ट टाइट कर देना, ठीक है, टाइट कर लिया, ठीक है। अब इसकी प्लेट लगा लेते हैं, प्लेट लगा लिया, ठीक है। अब इसकी सीट लगा लेते हैं, ठीक है। पहले इसकी चाबी, ये सीट अपने ऐसे सीट रखनी है, ठीक है, ठीक है, ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारी सीट लग गई है। अब मैं एक और बार इसकी लुकिंग चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मीटर ऑन हो गया। अब इसकी ये देखो शेड चेक करो, ठीक है, ठीक है, लग रहा है पता। शेड चेक करो, नीचे से भी चेक करो, ऊपर से भी चेक करो। दिन का तो देख लेते हैं, अब रात का देख लेते हैं, ठीक है। ये रात का टाइम है, इसको ऑन कर लेते हैं, टाइम भी चेक कर लो कितना हो रहा है। 11:40, ठीक है, रात का। अब स्विच ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी शाइनिंग चेक कर लेते हैं, फेयरिंग चेक कर लो, इसकी टैंक चेक कर लो कैसी लग रही है। ये देखो आग निकलती है ना जैसे, वैसी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये कुछ ऐसी लुकिंग आ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना लाइटें कैसी लगी है, ठीक है। बाकी मैं आपको मिलता रहूँगा अगली वीडियो में। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो। अगर आपको इसकी फिटिंग की वीडियो चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का लिंक डाल दिया, आप जाके देख सकते हो वहाँ पर। ओके गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।